हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। मिल जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी का हेडलाइन शो। मैं हूं दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइट डायरेक्टर। दोस्तों, आज है फ्री ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स का 41वां दिन। आने वाला हूं कि दो दो पेज के डायलॉग्स एक्टर लोग कैसे बोल लेते हैं। ये बहुत बार आपने देखा होगा पिक्चर्स में, बहुत बार देखा होगा अपने टीवी एंकर्स को, जो न्यूज रीडर्स होते हैं, कंटिन्यू बोलते जाते हैं। ये भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो टीवी एंकर्स हों, तब शूटिंग्स में टेलीप्रॉम्प्टर को यूज़ किया जाता है, उसको टीपी भी बोलते हैं। तो उनका यूज़ करके वो सामने उनको रखते हैं और प्रोडक्शंस वो अवेलेबल करवाती है, और वो उनको देखकर उन पर स्क्रीन पर जो चीज़ें चलती रहती हैं, आती रहती हैं डायलॉग्स, वो बोलते जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आप ये मत समझिए कि अगर आपको 2 से 3 पेज के डायलॉग्स याद नहीं हो रहे तो आप एक्टर नहीं बन सकते। इस बात को आप याद रखिए कि जब 2-2, 3-3 पेजेस के डायलॉग्स होते हैं, एक ही टेक में उनको बोलना है, तो आप घबराइए मत। टेलीप्रॉम्प्टर यूज करने के लिए दिया जाएगा। टेलीप्रॉम्प्टर में आप देखकर जो वहां पे डायलॉग्स आपके आ रहे होंगे, तो आपने कंटिन्यू अपने वो डायलॉग्स बोलने हैं। लेकिन आप टेलीप्रॉम्प्टर में एकदम से आप देखेंगे चीजें, डायलॉग्स आएंगे, तो आप ज्यादातर बोल नहीं पाएंगे। वो कब बोल पाएंगे? जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब आपके पास टेलीप्रॉम्प्टर तो है नहीं कि आप प्रैक्टिस करें, लेकिन आप ज़्यादातर क्या करें, जितनी भी आपके पास पुरानी घर पे बुक्स पड़ी हैं, तो आप सामने ऐसे रखकर आप उन बुक्स को पढ़ें। पढ़ना किस तरह है? जिस प्रकार आप स्कूल में, कॉलेजेस में अपने पढ़ते थे, वैसे ही आपने एज इट इज पढ़ना है। एक सुर में जल्दी जल्दी बोलना है कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। आप कोशिश करिए कि आपको याद हो जाए, इससे आपका ही फायदा है। लेकिन ये नहीं है कि आपको 2-2 पेज के डायलॉग याद नहीं हो रहे तो आप एक्टर नहीं बन सकते। इस बात पर आप बिल्कुल घबराइए मत। हमेशा याद रखिए कि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। सुधारना कैसे है? आपने जो भी आपके घर में किताब पढ़ी हैं, उनको आप पढ़ना शुरू करें। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सामने रख के आपने जो जो लाइन्स लिखी हैं वो पढ़ना है, राइट? वो पढ़ना ऐसे है कि आपकी आवाज़ जो हो वो थोड़ा सा लाउड हो, ताकि आपकी आवाज़ में भी निखार आएगा। दूसरी चीज़, आपको टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ना इजी हो जाएगा, राइट? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।